Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. Our today's topic is about microeconomics and macroeconomics, the basic definitions and differences between micro and macro, and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, microeconomics versus macroeconomics. So without further delay, here we go. वेलकम बैक और अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने डिमांड वगैरह के ऊपर वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो डिमांड की वीडियो देख लें, और वो भी नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा एक और लिंक दे देता हूँ सप्लाई की वीडियो देख लें। दीगर वीडियोस बनाई और मज़ीद वीडियो आती रहेंगी। इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक कवर करेंगे, बिज़नेस का इंशाल्लाह हर टॉपिक कवर करेंगे। मगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि सर हमने नई इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की है और हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें मेन समझ नहीं आ रहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो प्लीज़ एक वीडियो इस पर भी बना दें। क्यों नहीं बनाएंगे यार, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता, मुझे बताएं, हम पढ़ाएंगे ना। सारी दुनिया को पढ़ाते हैं, आपको नहीं पढ़ा सकते क्या? तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो बना दी जाए। तो हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखें, गौर से देखिए, इकोनॉमिक्स को अगर डिवाइड किया जाए दो ब्रांचेस में तो दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये दो ही इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं? तो इसका जवाब है नो, ये दो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस नहीं हैं सिर्फ, बल्कि इकोनॉमिक्स की ये सारी ब्रांचेस हैं जो तकरीबन ब्रांचेस हैं। बेसिकली ये तमाम फील्ड्स जो हैं वो माइक्रो और मैक्रो में ही लाई करती हैं जाके, और 22 के करीब ब्रांचेस हैं तकरीबन अगर इकोनॉमिक्स को सब कैटेगराइज किया जाता है। और ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, जो ये लाइट ब्लूज हाईलाइटेड हुई हैं, ये 10 के करीब वो ब्रांचेस हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं और इन डेप्थ पढ़ी हुई हैं अपने मास्टर्स में। जब मैं कर रहा था इकोनॉमिक्स का मास्टर्स, एमबीए की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स का, तो ये सारी मैंने इन डेप्थ पढ़ी हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मैं उसको बहुत आसान करके पढ़ाता हूँ, बिज़नेस को भी बहुत आसान करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ बंदे रहिए। तो अब हम आगे चलते हैं और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज बिकॉज देर आर मैनी ओवरलैपिंग इशूज एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू फील्ड्स। यही होता है, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। देखें, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइक्रो के नाम पे फोकस करें। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब है छोटा, मामूली, बारीक। दुनिया को उठा लें, दुनिया बहुत बड़ी चीज है, उससे छोटे पे आ जाएं, कंट्री बहुत बड़ी चीज है, और नीचे चले जाएं, शहर बड़ी चीज है, और अंदर चले जाएं, आप एरियाज के अंदर चले जाएं, इंडिविजुअल, लोग, फर्द, इनको पढ़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकी डिसीजन मेकिंग को पढ़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में बताता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक दुकानदार अगर प्राइस को बढ़ा देगा तो उसके सेलर के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बताता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो छोटा, और से समझिएगा। उर्दू मेरी ज़बान है इसलिए मैं बहुत खुल के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो पाकिस्तान और इंडिया से जो भी लोग देख रहे हैं, कुछ इंडिया के भी स्टूडेंट्स ने भी देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी मुझे बहुत थैंक्स किया, थैंक यू सो मच। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, द फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? उन फोर्सेस पे जो सप्लाई और डिमांड को डिटरमाइन करते हैं और प्राइसेस को सेट करते हैं मार्केट के अंदर। ये मैंने आपको सप्लाई और डिमांड के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, ऊपर भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, जाके वहां जरूर चेक कीजिएगा। इट इज अ बॉटम अप्रोच। अब जो ये बात आती है, आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी आता है, जो IGCSE ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स उनके पास भी आता है, और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी आता है। वो यही आता है कि भाई आप बॉटम अप्रोच बताएं क्या है। बॉटम अप्रोच का मतलब क्या, मैंने आपको जब अपना लेक्चर शुरू किया तो मैंने वहीं से बताया कि ऊपर से जब आप नीचे आते हैं और नीचे आके चेक कर रहे होते हैं कहाँ, एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, कि यार आम इंसान, एक आम आदमी के परचेजिंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आएगा, दुकानदार पे क्या इफेक्ट आएगा, सप्लायर पे क्या इफेक्ट आएगा, इसे ही कहते हैं बॉटम अप्रोच। यही है बॉटम अप्रोच, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर्स कैन यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, ये एक आर्ग्यूएबल चीज़ है कि भाई इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो किसे डिस्कस करते हैं, क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करते हैं या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक आर्ग्यूएबल चीज़ है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। वैसे वो दोनों को ही देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। यहाँ पे वो कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं, सच एज पीपल एंड बिजनेसेस, ये बात भी मैंने आपको बताई। उसके बाद आगे लिखा है डिस्क्रीट इकोनॉमिक एजेंट्स। नाउ ये एक सवाल है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इकोनॉमिक एजेंट्स को आप गौर से देखिए। ये सवाल आता है हु आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं इस बात को यहीं स्टॉप करके आपको अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ और गौर से देखें इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स इन्फ्लुएंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट। प्रोड्यूसर कौन, जो पैदावार कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। इन्फ्लुएंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट कौन है, जो मेन मार्केट को कंट्रोल करते हैं। नाम सुने आपने चीनी माफिया, और गंदम माफिया, इन सब के आपने नाम सुने होंगे ना। बेसिकली समहाउ दीज आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट, वो फोर्सेस जो कैपिटल मार्केट को कैप्चर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके प्राइस सेटर्स होते हैं, वो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। अच्छा, इकोनॉमी एट लार्ज, पूरी इकोनॉमी खुद भी आपकी एक इकोनॉमिक एजेंट ही है। उसके बाद मजीद डिटेल के अंदर थोड़ा सा आके पढ़ लें तो आपके हैं हाउस होल्ड्स, जो ये घर वगैरह हैं ये सब, ओके। इंडिविजुअल्स, लोग, फर्म्स, जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं ऑपरेट हो रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक, ये भी इकोनॉमिक एजेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है। कुछ लोग गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को एक जगह जमा कर देते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज का भी अलग से इंपैक्ट आता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की जानिब और आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स, आपको बात समझ आ गई होगी सारे कौन होते हैं और ये किस तरह एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इट डिस्कसेस अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइसेज एट पीपल, ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिस्कस करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिन प्राइसेस के ऊपर लोग ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, इन चीज़ों को वो डिस्कस करता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। It mainly emphasizes on supply and demand, additional forces that determine price level in the economy. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर रही हैं, प्राइसेस को सेट कर रही हैं मार्केट में, और इंडिविजुअल के बिहेवियर को वो डिस्कस करते हैं कि इस प्राइस की वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर का मतलब लड़ाई मार कुटाई नहीं, उसका परचेसिंग बिहेवियर क्या होगा। इट ऑफन रेफर्ड एज अ बॉटम अप्रोच, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे आते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर दिखाई हैं, ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आराम से आप कॉपी करके लिखें, एक नंबर नहीं कटेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइसेस, इंसानों की जो चॉइसेस हैं उसको समझने की कोशिश करती है। डिसीजन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया गया है, इन डिसीजंस को वो डिस्कस करती है। अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्केर्सिटी से लिंक्ड, सो ये मेरी वीडियो का लिंक आ रहा है, वहाँ जाएं, स्केर्सिटी की वीडियो देखें और फिर वापस आके इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या उस वीडियो को इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीजेज और डिक्रीज, हाउ विल इट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, मैंने आपसे क्या कहा कि ये इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को पढ़ती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन चॉइसेस को पढ़ती है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से वो क्या करेगा, ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा, कितनी क्वांटिटी ख़रीदेगा कितनी नहीं ख़रीदेगा, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज़, इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज़ चेंज्ड, अगर कंज्यूमर की इनकम बदल गई, उसकी आमदनी बढ़ गई या कम हो गई, अब उसका परचेजिंग बिहेवियर क्या होगा, अब उसकी चॉइसेस क्या होंगी, वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंटली यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, ये डिस्कस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? अगली स्लाइड पे चलते हैं। मार्केट पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वो कहता है लेट्स अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑन अ मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस अबाउट फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द मार्केट। मैंने आपको पहले भी बताया मार्केट के अंदर जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं उसको डिस्कस करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द कंडीशंस आर चेंज्ड। कंडीशन बदल गई, कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, कंडीशन बदल गई, डिजास्टर आ गया, कंडीशन बदल गई, इनकम बढ़ गई, कंडीशन बदल गई, प्राइस बढ़ गई, कंडीशन बढ़ गई। इन सारी चीज़ों को कौन डिस्कस करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम इज द इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज फॉर योर कॉम्पिटिटर। ये भी बड़े मजे की बात है, आपने तो कुछ किया नहीं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस वही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी वैसे ही है, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो गई। अब जो उसकी प्राइस ऊपर नीचे हुई है उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट के लिए जो बायर है उसका परचेजिंग बिहेवियर क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिस्कस करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी को कहते हैं मार्केट के अंदर चेंज का आ जाना। किसी भी तरह का चेंज आ गया, कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दी, इफेक्ट आप पे आया। ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कस होंगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आई? मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा शायद इन डेप्थ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी नहीं समझाएगा। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। गौर से देखिए, ऊपर मैंने गवर्नमेंट बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट का निशान आ रहा है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पैसे बने हुए हैं, डॉलर बने हुए हैं, पौंड बना, क्या है ये? बड़े लेवल के डिसीजंस, बड़े लेवल के डिसीजन। हमारे इस डिसीजन की वजह से पूरी कंट्री पे, पूरी इकोनॉमी पे, पूरी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आएगा, ये डिस्कस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल के डिसीजंस, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेगा, ओवरऑल डिस्कशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस द डिसीजंस मेड बाय कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट। ये जो आपने सुना है ना जनाब, वो माहिर माशियात रखे हुए हैं और उनके मुशीर हैं और ये हैं और बाहर से हैं, इसलिए क्योंकि एक कंट्री को चलाना इतना आसान काम नहीं होता है। गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होते हैं। वो इंडिविजुअल्स के डिसीजन नहीं होते हैं कि जी बशीर साहब ने इस दुकान से नहीं उस दुकान से ले लेना है। बड़े लेवल का डिसीजन होता है, गंदम का डिसीजन है, टैक्स का डिसीजन है, टैक्स इम्पोजिशन का डिसीजन है, इम्पोर्ट्स का डिसीजन है, एक्सपोर्ट्स का डिसीजन है। बड़े डिसीजंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है इनके अंदर। सो इट टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच। अब ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम का जहां पे आपसे वो पूछता है टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। मैंने आपसे बॉटम की डिस्कस की थी, अब टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब क्या है? ऊपर लेवल पे, गवर्नमेंट की सतह पे जो डिसीजंस दिए गए उनका इंपैक्ट नीचे तक आ रहा है, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से नीचे तक डिसीजन का इंपैक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। आगे आते हैं। इट डिस्कसेस इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात करता है। इट इज़ अ टूल एसेंशियली यूज टू क्राफ्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसके लिए मेरी अलग से वीडियो आ रही है, इसमें मैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को डिटेल्स में आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह होती है, लेकिन वो बेसिकली मैक्रो का टॉपिक है, तो मैक्रो को अभी मैंने फॉरन टच नहीं किया है। जो मेनली फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, मनी की सर्कुलेशन, पैसे की इकोनॉमी में सर्कुलेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, ये बड़े डिसीजंस होते हैं, ये कंट्री के डिसीजंस होते हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ कंट्री। इंडिविजुअल नहीं लिखा मैंने, कंट्री लिखा है। पूरे मुल्क के बिहेवियर को डिस्कस करेगी। गंदम की शॉर्टेज होगी, क्या होगा? टैक्स लगा दिया, पूरे मुल्क में क्या होगा? ये डिसीजंस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी एज अ होल, मैंने अभी आपको बताया जो भी पॉलिसी है उसकी पूरी इकोनॉमी पे, पूरी कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इट एनालाइजेज द एंटायर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमीज, दैट इज वाई इट इज कंसीडर्ड एज अ टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर हो गई ये बात। ये क्वेश्चन आ गया, यही पैराग्राफ उठा के कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा अपने एग्जाम के अंदर, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इट आंसर्स द क्वेश्चन सच एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस का ऊपर जाना नीचे आना, प्राइसेस कंट्री के अंदर जो सेट होती हैं वो सारे मामला डिस्कस किस में किए जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जा रहे होते हैं। इट ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पैक्ट ऑन द नेशंस कैपिटल। इन सारी चीजों के जो इम्पैक्ट है आपके कंट्री के कैपिटल पे उसे डिस्कस करता है मैक्रो। जीडीपी, जीएनपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, इंपोर्ट पे कितना हमने टैरिफ लगाना है, एक्सपोर्ट पे कितना हमने लगाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक कंट्री के कैपिटल अकाउंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं। वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, डिसीजन सही हैं या गलत हैं, दिस इज़ नॉट द टॉपिक। डिसीजन लिए जाते हैं, दिस इज़ द टॉपिक, और वो डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये भी आंसर करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी मैटर्स हैं, जॉब्स के मैटर्स हैं, ये सारे डिस्कस करती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आखिरी चीज पे मैं आपको लेके आता हूं और वो ये है, वो आपको दिख रहा है माइक्रो, ये आपको दिख रहा है मैक्रो। माइक्रो के अंदर जो डिमांड है वो मैक्रो में आके एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। एग्रीगेट का मतलब है ओवरऑल। माइक्रो के अंदर जो सप्लाई है वो मैक्रो में आके एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है, इसका मतलब है ओवरऑल। वहां वो इंडिविजुअल्स को रीड कर रहा है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंडिविजुअल डिमांड को, इंडिविजुअल सप्लाई को, इंडिविजुअल प्राइस को डील कर रहा है, और यहाँ पे वो ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल सप्लाई को डील कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जल्दी से हम लेसन रैपअप की तरफ चलते हैं। माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे का मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है बिहेवियर्स उनके, परचेजर्स, बायर्स की बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट आएगा अगर प्राइस में चेंज आ जाती हैं, कोई भी डिसीजन, कोई भी चेंजेस आ जाती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या फर्क आ रहा है उनके बाइंग बिहेवियर्स के अंदर, उनको रीड करती है, उनके बिहेवियर को, उनको साइकोलॉजी को रीड कर रही होती है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल के जो डिसीजन हैं सच एज एक कंट्री को कैसे रन करना है, टैक्स कितना लगाना है, उस टैक्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट आएगा, उस टैक्स की वजह से पूरी कंट्री पर क्या इंपैक्ट आएगा, उसके इंपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट्स पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजें डिस्कस कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस वाज माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आपको आज का माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी रिकमेंडेशन है कमेंट्स में दे दें, कोई बात नहीं, आई एम ओपन टू कमेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आती रहेंगी, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंशाल्लाह कोई ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं कि बिजनेस या इकोनॉमिक्स में कवर ना हो सके। और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों तक पहुँचा दें ताकि दूसरे मुस्तफीद हो सकें इन लेक्चर्स से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।